सो हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवीएम में। सो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग देख ही चुके, जिसमें मत जी हम बात करने वाले हैं कि जो कल पेपर हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें कितने बच्चे आखिर क्या किए हैं। बस सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ है पूरा, ठीक है। बस मैं आपको पेपर का जो है आपको 2-3 दिन में वीडियो अपलोड कर दूँ कि पेपर में आखिर आया क्या था और क्या लगता है, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या हमारा रिजल्ट कब आएगा। इसे मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं आज के। तो जो कल हुआ है ये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक कॉलेजों में बीए, बीपीए, बीएफएफ और बीएलएलबी में प्रवेश के लिए शनिवार को आयोजित प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति उत्साहजनक रही। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बच्चे कल मतलब प्रेजेंट थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। जी हाँ, कल 80.35% अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे पहली मीटिंग में बीए में बीए, बीएफएफ, बीपीए और दोपहर में 2 से 4 बजे की पाली में बीएलएलबी की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में हुई। ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन परीक्षा में उपस्थिति ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, कल उपस्थिति जो थी बच्चों की वो ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा 11 शहरों प्रयागराज, बेंगलुरु, दिल्ली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी के 102 केंद्रों में आयोजित की गई थी। इनमें से बेंगलुरु, दिल्ली एवं तिरुवनंतपुरम में केवल ऑनलाइन मोड एवं बाकी शहरों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित कुल 69 ऑफलाइन और 33 ऑनलाइन सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा में कुल 41,125 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से करीब 33,046 स्टूडेंट प्रेजेंट थे एग्जाम समय पे। ऑफलाइन परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट थे वो 33,969 स्टूडेंट ने में से 27,827,833 स्टूडेंट ने अपनी हाजिरी लगाई, यानी उपस्थिति जो देखी जाए कल की वो थी 81% थी, ठीक है। 81% जो है कल बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है, यानी उपस्थिति 81% रही। वहीं ऑनलाइन परीक्षा के लिए 7,156 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से करीब 72% बच्चे यानी कि 5,213 ने प्रेजेंट थे। ऑनलाइन परीक्षा के मुकाबले ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा में उपस्थिति ज्यादा बेहतर रही, ठीक है। ऑफलाइन मोड की पहली पाली की परीक्षा के लिए पंजीकृत की 27,780 में से 22,762 स्टूडेंट ने प्रेजेंट थे, उसमें से देखा जाए तो यानी कि 81% बच्चे जो है सुबह की जो मीटिंग थी उसमें 81% बच्चे ने एग्जाम दिया, जबकि सेकेंड मीटिंग में 6,190 में से 5,071 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई, ठीक है। मतलब कि करीब ये इस समय मैं ऑफलाइन मोड की बात कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बाकी है, ठीक है। ऑनलाइन में देखा जाए कि ऑनलाइन में ये रहा कि पहली जो मीटिंग थी उसमें करीब 5,284 बच्चे थे, उसमें से करीब 3,900 बच्चे प्रेजेंट थे, यानी कि 72% बच्चे आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो 72% बच्चे प्रेजेंट थे। और यही सेकेंड मीटिंग में बात करें ऑनलाइन में तो उसमें प्रेजेंट थे कि इसमें 1,872 स्टूडेंट प्रेजेंट थे एस, और यानी कुल मिला के 75% बच्चे सेकेंड मीटिंग बी एल एल बी के लिए प्रेजेंट थे। ये ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेपर के बारे में, ठीक है। पेपर जो था बहुत ही देखा जाए कि बी ए, बी पी ए, बी एफ एफ और बी एल एल एम के पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे। प्रत्येक सवालों में 2 अंकों का था। बीए और बीए एलएलबी का पेपर संतुलित एवं सामान्य था, ठीक है, यानी कि पेपर टफ ज़्यादा नहीं था। आपको मैं पेपर की पूरी डिटेल बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और देखा जाए तो बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में अभ्यर्थी जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही बेकार थे। वहाँ पे 8 बच्चों मतलब तिरुवनंतपुरम में 8 बच्चों के लिए सीट रिजर्व की गई थी, वो भी ऑनलाइन मोड में, उसमें से करीब 2 स्टूडेंट प्रेजेंट थे,
और बेंगलुरु में 3 बच्चों के लिए ऑनलाइन की गई थी, सेंटर था वहां पे, पर उसमें प्रेजेंट कितने थे, 2 स्टूडेंट, ठीक है। ये था उस वहां का, बहुत बेकार स्थिति थी वहां पे। तो आप लोगों को पता है कि अगर अगला पेपर दे रहे हो तो मार्क्स आपको मिलेगा, आपको जरूरत है मार्क्स लगाने की, आपको वहां पे एक मार्क्स दिया जाएगा। और जो LLB की प्रवेश परीक्षा होगी वो कल होगी, यानी कि कल की मतलब कि आज छुट्टी है, कल होगी, ठीक है। तो LLB में जो है 29 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी सभी 11 शहरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कराई जाएंगी। परीक्षा के लिए कुल 14,622 अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं, उनमें से करीब 10,931 स्टूडेंट का ऑफलाइन में है और 3,691 स्टूडेंट जो है ऑनलाइन मोड में देंगे पेपर, यानी प्रवेश में कुल 56 सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। ये थी, मैं आपको बता दिया हूँ, तो यही सब था, आपको देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि LLB का पेपर, BA LLB का पेपर कैसा आया था, ठीक है। अगली वीडियो भी अब जो है मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने सोच रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ इस समय ये जो चल रहा है स्थिति, मैं आपको पूरा डिटेल देता रहूंगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।